हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम टू माय चैनल लर्न ओ मेनिया। मैं हुसैनी सर आपका स्वागत करता हूं मेरी चैनल लर्न ओ मेनिया पर। आज से हम आईटीआई बच्चों के लिए जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कोर्स में पढ़ते हैं उनके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम आप देख सकते हो स्क्रीन पर, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट्स। यह उनका थियोरी का चैप्टर है एंड स्पेशली फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और अगर फर्स्ट ईयर के बच्चे आरएसी कोर्स के फर्स्ट ईयर के बच्चे भी अगर ये चैप्टर देखते हैं उनकी भी मदद होगी। इसके पहले कि मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे वीडियोज़ को शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से होगा ये कि जैसे ही मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप तुरंत मेरी वीडियो को देख पाएंगे। चलिए ज्यादा देरी न करते हुए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट्स। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्लीज मुझे बताइए कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हम क्यों लगाते हैं और एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स का काम क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, एयर कंडीशनिंग यूनिट्स हम क्यों लगाते हैं। ज्यादातर एयर कंडीशनिंग यूनिट्स ह्यूमन कंफर्ट के लिए लगाई जाती है। ठीक है, कोई भी कन्फाइंड स्पेस में, चाहे वो थिएटर्स हो, मॉल्स हो, ठीक है, जो उसका कन्फाइंड स्पेस होता है वहां पर आए लोगों को कंफर्टेबल एटमॉस्फियर मिले, ह्यूमन कंफर्ट जिसे कहते हैं, ह्यूमन कंफर्ट जोन हासिल करने के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, एयर कंडीशनिंग यूनिट्स लगाई जाती है। ये पहला क्यों लगाते हैं, ये पहले सवाल का जवाब, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स क्यों लगाते हैं। दूसरी चीज, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स क्या काम करती है कन्फाइंड जोन के अंदर, कन्फाइंड स्पेस के अंदर। सबसे पहले एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स तापमान को कंट्रोल करती है, टेम्परेचर कंट्रोल करती है। दूसरा है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स कन्फाइंड स्पेस के अंदर, कन्फाइंड जोन के अंदर ह्यूमिडिटी बनाए रखती है। तीसरा काम है, कन्फाइंड स्पेस के अंदर की हवा को एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हवा को प्यूरिफाई करती है, हवा को फिल्टर करती है और हवा को सर्कुलेट करती है पूरे कन्फाइंड स्पेस के अंदर। सो ये बेसिक काम है एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स का। छोटी से छोटी एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स जैसे विंडो एसी या पोर्टेबल एसी से लेकर बड़े से बड़े एयर कंडीशनिंग प्लांट तक यही काम करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल करना, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना, एयर को फिल्टर करना, एयर को प्योरीफाई करना, एयर को सर्कुलेट करना, ये बेसिक काम है एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स के। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, जितनी अलग अलग तरह की छोटी बड़ी एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हैं वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स आपके साथ डिस्कस सबसे पहले करना चाहूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स जो है बेसिकली वो दो तरह की आती है, एक नॉन डक्टेड टाइप और एक डक्टेबल टाइप। एक नॉन डक्टेड टाइप और दूसरी डक्टेड टाइप। एयर कंडीशनिंग सिस्टम या तो डक्ट के बिना हो सकती है या दूसरा है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स डक्ट वाली हो सकती है, डक्ट के साथ। अच्छा, अब नॉन डक्टेड टाइप में अगेन एक स्प्लिट एयर कंडीशनर हो सकता है। स्प्लिट एसी में हम डक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक स्प्लिट एयर कंडीशनर हो सकता है या विंडो एयर कंडीशनर हो सकता है। ठीक है, आजकल इसमें एक नया निकला है लास्ट 2-4-5 सालों से, पोर्टेबल एसी। पोर्टेबल एसी भी नॉन डक्टेड टाइप होता है। सो स्प्लिट एयर कंडीशनर और विंडो एयर कंडीशनर, ये दोनों एयर कंडीशनर में कोई तरह की डक्ट इस्तेमाल नहीं होती। अच्छा, अब ये जो स्प्लिट एयर कंडीशनर है, स्प्लिट एयर कंडीशनर में अगेन इंडोर यूनिट के हिसाब से स्प्लिट एयर कंडीशनर को
तीन कैटेगरीज में बांटा गया है, या इंडोर यूनिट फ्लोर माउंटेड होगा, या इंडोर यूनिट सीलिंग माउंटेड होगा, या इंडोर यूनिट वॉल माउंटेड होगा। सो स्प्लिट एयर कंडीशनर जो है अगेन तीन तरह के हैं, जिसमें इंडोर यूनिट जो होगा या तो फ्लोर माउंटेड हो सकता है, या सीलिंग माउंटेड हो सकता है, या वॉल टाइप इंडोर यूनिट हो सकता है, वॉल माउंटेड इंडोर यूनिट हो सकता है। अच्छा, ये सेकेंड वन जो है सीलिंग माउंटेड, सीलिंग माउंटेड अगेन हमने सीलिंग माउंटेड को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सीलिंग माउंटेड अब जो है, पहला सीलिंग माउंटेड का इंडोर यूनिट जो है या तो एक्सपोज टाइप हो सकता है, या दूसरा हाइड अवे टाइप हो सकता है, या तीसरा कैसेट टाइप हो सकता है जो इसका इंडोर यूनिट होगा। आउटडोर यूनिट तो ये तीनों के सेम होंगे, जो इंडोर यूनिट होगा वो सीलिंग माउंटेड में अगेन एक्सपोज टाइप हो सकता है, हाइड अवे टाइप हो सकता है, या कैसेट टाइप हो सकता है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक इंडोर यूनिट है, कैसेट टाइप एसी का ये इंडोर यूनिट है, ठीक है। अच्छा, नाउ चलिए देखते हैं दूसरा, डक्टेबल टाइप एयर कंडीशनर्स, डक्टेबल सिस्टम्स। अब डक्टेबल टाइप एयर कंडीशनर में अगेन बेसिकली दो कैटेगरीज है, एक है पैकेज एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स और दूसरी है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट्स। पैकेज एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इसमें भी डक्ट का इस्तेमाल होता है, सप्लाई एयर डक्ट, रिटर्न एयर डक्ट। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, ये बड़ी सिस्टम्स होती है, इसमें भी डक्ट का इस्तेमाल होता है। अच्छा, पैकेज एयर कंडीशनर जो है अगेन डिपेंड करता है कि उसका कंडेंसर किस तरीके से है। पैकेज एयर कंडीशनर जो है या एयर कूल्ड हो सकता है या वाटर कूल्ड हो सकता है। पैकेज एयर कंडीशनर जो है अगेन कैन बी कैटेगराइज एज एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, उसको यहां पर दो कैटेगरीज में आप देख सकते हैं, दिखाया हुआ है। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट या तो डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम होगी या इनडायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम होगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम को चिलर भी कहते हैं, ठीक है। सो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट बेसिकली दो तरह के आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम या इनडायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम। इनडायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम का दूसरा नाम है चिलर, ठीक है, चिलर, या हम इसे चिल्ड वाटर सिस्टम भी कहते हैं। ये दोनों जो है, डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम, चिलर, ये दोनों अगेन डिपेंड करता है कि सिस्टम कौन सी है, उसके हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से, या तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम या वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, ये दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अगर तुम्हारा एयर कंडीशनिंग प्लांट, उसमें कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपरेटर, एक्सपेंशन डिवाइस, ये सब चीजें लगी हुई है, जिसे हम वेपर कंप्रेशन साइकिल कहते हैं, या जिसे हम मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं, वो हो गई है पहली वाली कैटेगरी, ये पहली वाली कैटेगरी। और अगर तुम्हारा एयर कंडीशनिंग प्लांट, उसमें वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम लगा हुआ है, वो हो गई है सेकेंड वाली कैटेगरी। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम पर वो पूरी सिस्टम काम करेगी। अच्छा, अब ये जो पहला वाला है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, ये पहला वाला अगेन तीन कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है। पहली कैटेगरी है रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम या रेसिप्रोकेटिंग चिलर, दूसरी कैटेगरी है सेंट्रीफ्यूगल चिलर, या तीसरी कैटेगरी है स्क्रू टाइप चिलर। रेसिप्रोकेटिंग चिलर क्या होगा या रेसिप्रोकेटिंग प्लांट क्या होगा, जिसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल चिलर क्या होगा, जिस चिलर में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का इस्तेमाल किया गया है। और उसी तरीके से स्क्रू चिलर क्या होगा, जिस सिस्टम में स्क्रू कंप्रेसर का इस्तेमाल किया गया, ठीक
ठीक है। तो बेसिकली ये है ऑल द एयर कंडीशनिंग सिस्टम, पूरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, पूरी एयर कंडीशनिंग यूनिट्स इतनी तरह से कैटेगराइज की जा सकती है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम सबसे पहले तो या तो डक्टेबल टाइप या नॉन डक्टेड टाइप में कैटेगराइज हो सकता है। बेसिक चीज जो नॉन डक्टेड टाइप है, नॉन डक्टेड टाइप में अगेन इट कैन बी स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इट कैन बी विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम। स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम में अगेन आउटडोर यूनिट तो एक ही होगा, इंडोर यूनिट के हिसाब से स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो तीन तरह की रहती है। इंडोर यूनिट या तो फ्लोर माउंटेड होगा, इंडोर यूनिट या तो सीलिंग माउंटेड होगा, या इंडोर यूनिट वॉल माउंटेड होगा, दीवार पर लगा हुआ। अच्छा, अगर स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम सीलिंग माउंटेड है, इंडोर यूनिट उसका सीलिंग माउंटेड है, सीलिंग माउंटेड अगेन कैन बी कैटेगराइज इनटू एक्सपोज टाइप, ठीक है, एक्सपोज टाइप। सीलिंग माउंटेड कैन बी कैटेगराइज इनटू हाइड अवे टाइप, सीलिंग माउंटेड कैन बी कैटेगराइज इनटू कैसेट टाइप। एक्सपोज टाइप में क्या होगा, जो इंडोर यूनिट है वो आपको छत के ऊपर लगा हुआ दिखेगा, तुम्हारी कन्फाइंड स्पेस के अंदर वो दिखेगा छत के ऊपर लगा हुआ, इसीलिए इसको एक्सपोज टाइप इंडोर यूनिट कहते हैं। हाइड अवे टाइप में क्या होगा, जो इंडोर यूनिट है वो छत के अंदर छुपा हुआ रहेगा, वो तुम्हें कन्फाइंड स्पेस में सीलिंग में दिखेगा नहीं, वो छत के अंदर छुपा हुआ रहेगा, इसीलिए इसको हाइड अवे टाइप कहते हैं इंडोर यूनिट को। तीसरी टाइप ये कैसेट टाइप, यहां देख सकते हैं आप ये जो ऊपर की फ्रेम है, ठीक है, यही तुम्हें दिखेगी। ये जो पूरी कूलिंग कॉइल की यूनिट है और जो ब्लोवर वगैरह है ये पूरा फॉल सीलिंग के अंदर छुपा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये है तीसरा वाला इंडोर यूनिट कैसेट टाइप, स्प्लिट एसी टाइप में। अच्छा, डक्टेबल टाइप में बेसिकली दो तरह के डक्टेबल टाइप एयर कंडीशनिंग यूनिट होते हैं, एक है पैकेज एयर कंडीशनिंग सिस्टम, दूसरी है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट। पैकेज एयर कंडीशनिंग सिस्टम अगेन कैन बी कैटेगराइज्ड एज वाटर कूल्ड या एयर कूल्ड। जिस पैकेज एयर कंडीशनर में एयर कूल्ड कंडेंसर लगा हुआ है उसे एयर कूल्ड पैकेज यूनिट कहते हैं। जिस पैकेज यूनिट में वाटर कूल्ड कंडेंसर लगा हुआ है दैट इज अ वाटर कूल्ड पैकेज यूनिट। अच्छा, जो एयर कूल्ड है, एयर कूल्ड वो ज्यादातर छतों पर लगता है, ठीक है, टेरेस हुआ या रूफ हुआ, वहां पर ये पैकेज यूनिट को बिठा देते हैं और वहां से डक्ट कैरी करके कन्फाइंड स्पेस तक लाते हैं। तो उस पैकेज यूनिट को जो छत के ऊपर लगा हुआ है उसको रूफ टॉप पैकेज यूनिट भी कहा जाता है। तो ये रूफ टॉप पैकेज यूनिट, रूफ टॉप आप नाम याद रखिएगा, ये ज्यादातर टेरेस के ऊपर या छत के ऊपर लगा हुआ रहता है और वहां से डक्ट लाई जाती है कन्फाइंड स्पेस के अंदर, और ज्यादातर ये टेरेस माउंटेड या रूफ टॉप पैकेज यूनिट जो है वो एयर कूल्ड ही होता है ज्यादातर। चलिए दूसरा बात करते हैं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट की। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट अगेन दो तरीके के हैं, या डायरेक्ट कूल या डायरेक्ट एक्सपांशन एयर कंडीशनिंग प्लांट, या चिलर एयर कंडीशनिंग प्लांट, या जिसे हम इनडायरेक्ट एक्सपांशन एयर कंडीशनिंग प्लांट भी कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपांशन या इनडायरेक्ट एक्सपांशन या चिलर, अगेन ये दोनों को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वेपर कंप्रेशन सिस्टम पर काम करने वाली यूनिट, दूसरा है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम पर काम करने वाली यूनिट। अगर वेपर कंप्रेशन यूनिट है तो इसमें कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, एक्सपेंशन डिवाइसेस, ये सब चीजें होगी जो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल में होती है, ठीक है। अगर वेपर एब्जॉर्प्शन यूनिट है तो इसमें जनरेटर्स, एब्जॉर्बर्स, सेपरेटर्स, ये सारी चीजें लगी होगी। आपने फर्स्ट ईयर में ये दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। अच्छा, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है अगेन उसको हम कैटेगराइज करेंगे रेसिप्रोकेटिंग चिलर में, या सेंट्रीफ्यूगल चिलर में, या स्क्रू टाइप चिलर में।
अब रेसिप्रोकेटिंग चिलर मतलब जिसमें जो चिलर में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का इस्तेमाल हुआ है। सेंट्रिफ्यूगल चिलर, सेंट्रिफ्यूगल चिलर मतलब जिस चिलर के अंदर सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेसर का इस्तेमाल हुआ है। स्क्रू टाइप चिलर मतलब जिस चिलर के अंदर स्क्रू कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जा रहा। सो ये है बेसिकली अलग अलग तरह की एयर कंडीशनिंग यूनिट। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने यहां पर कुछ डायग्राम्स हैं, आशा करता हूं ये डायग्राम्स आपको क्लियरली विजिबल होंगे। आप क्या मुझे आप ये अलग अलग तरह की जो एयर कंडीशनिंग यूनिट है उसका नाम बता सकते हैं? ठीक है, ये सबसे पहला वाला ये क्या है? ये है कैसेट टाइप एयर कंडीशनिंग यूनिट। ठीक है, कैसेट टाइप एयर कंडीशनिंग यूनिट का जो ये है इंडोर यूनिट है। अच्छा, सेकेंड वाला डायग्राम, ये जो है सेकेंड वाला डायग्राम, व्हाट इज दिस? ये है सीलिंग माउंटेड, ये है सीलिंग माउंटेड स्प्लिट एसी, जिसमें इंडोर यूनिट सीलिंग के ऊपर लगा हुआ रहता है और ये दिखाई देता है। ये जो है इंडोर यूनिट, ये आपको कन्फाइन स्पेस की छत के ऊपर से लटका हुआ या लगाया हुआ दिखाई देगा। अच्छा, ये वाला जो डायग्राम है ये है फ्लोर माउंटेड, ये पूरी सिस्टम है फ्लोर माउंटेड स्प्लिट एयर कंडीशनर की। ये जो दिख रहा है ये है इंडोर यूनिट, इसमें इवेपोरेटर कॉइल, ब्लोवर, फिल्टर, ये सब ये फ्लोर माउंटेड इंडोर यूनिट के अंदर होगा। ये पूरा जो है फ्लोर माउंटिंग, ये कन्फाइंड स्पेस के अंदर लगाया जाएगा, फ्लोर के ऊपर ये खड़ा किया जाएगा। ठीक है, ये है इसका आउटडोर यूनिट, जो नॉर्मली एनी स्प्लिट एसी में ऐसी ही आउटडोर यूनिट रहते हैं, ये है उसका आउटडोर यूनिट। और ये है कंट्रोल, ये कंट्रोल जो है ये टोटल कंट्रोल आपको कन्फाइंड स्पेस के अंदर लगाना होगा। इस कंट्रोल के द्वारा आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, आप ह्यूमिडिटी सेट कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए कन्फाइंड स्पेस के अंदर का एटमोसफियर उस तरीके से ये कंट्रोल को आपको सेट करना होगा। अच्छा, ये डायग्राम में देखिए, ये भी स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम ही है। इस स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम में देखिए ये आउटडोर यूनिट एक लगा हुआ है, एक आउटडोर यूनिट है और इंडोर यूनिट अलग अलग तरह के हैं। ठीक है, तो वन आउटडोर यूनिट कंट्रोल्स मेनी इंडोर यूनिट्स, ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक आउटडोर यूनिट एक ही इंडोर यूनिट को कंट्रोल करे। वन आउटडोर यूनिट कैन बी कनेक्टेड टू मल्टीपल इंडोर यूनिट्स, और वो मल्टीपल इंडोर यूनिट्स भी आप डायग्राम में देख सकते हैं। एक इंडोर यूनिट दिखाया हुआ है जो है कैसेट टाइप, दूसरा इंडोर यूनिट जो दिखाया हुआ है वो है वॉल माउंटेड, तीसरा इंडोर यूनिट जो दिखाया हुआ है वो है सीलिंग माउंटेड। सो एक आउटडोर यूनिट इज कनेक्टेड टू मल्टीपल इंडोर यूनिट्स, ये भी एक तरह की स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम ही है, नॉन डक्टेड टाइप। अच्छा, ये वाला देखिए, ये वाला पैकेज एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, ये जो पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है पैकेज एयर कंडीशनिंग सिस्टम। और पैकेज एयर कंडीशनिंग सिस्टम में ये वाला है रूफ टॉप यूनिट। ठीक है, ये छत के ऊपर या टेरेस के ऊपर कहीं पर भी आप फिट कर सकते हैं इसके ये पूरे यूनिट को। पूरी की पूरी सिस्टम, पूरी की पूरी वेपर कंप्रेशन सिस्टम, पूरी की पूरी मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसके अंदर होगी। सारे के सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी इसी के अंदर होंगे। आप खाली ये दो डक्ट देख सकते हैं, इसमें से एक डक्ट होगा सप्लाई डक्ट, दूसरा डक्ट होगा रिटर्न डक्ट। ये सप्लाई डक्ट और रिटर्न डक्ट ये बस हवा को सर्कुलेट करेंगे कन्फाइंड स्पेस तक। सप्लाई डक्ट जो है वो ठंडी हवा को, चिल्ड हवा को लेके जाएगा कन्फाइंड स्पेस में, और जो रिटर्न डक्ट है, रिटर्न एयर डक्ट, वो कन्फाइंड स्पेस की हवा को फिर से लेके आएगा यूनिट के अंदर। सो ये है पैकेज एयर कंडीशनर। अब इसको पैकेज क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरी की पूरी मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल, पूरा का पूरा वेपर कंप्रेशन सिस्टम एक ही जगह, एक ही
पैनल के अंदर फिट हुआ है, एक ही जगह फिट हुआ है, एक ही जगह पैक हुआ है जिसे कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है पैकेज एयर कंडीशनर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, देखिए ये है एक टिपिकल एयर कंडीशनिंग प्लांट का लेआउट, इसे आज हम समझेंगे। इसमें सबसे पहली चीज, जो मोटी मोटी चीज है, वो है सबसे पहला ये जो है यहां पर, ये वाटर कूल्ड चिलर बताया हुआ है। ये वाटर कूल्ड चिलर प्लांट रूम के अंदर होगा। यहां से सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट या सादा पानी हो सकता है या ब्राइन हो सकती है, कोई भी सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यहां से चिलर से कूल होकर, चिल्ड होकर यहां पर जाएगी ये कॉइल के अंदर। ये जो यहां पर दिख रहा है इसको कहा जाता है एयर हैंडलिंग यूनिट, या शॉर्ट फॉर्म में AHU, ये है एयर हैंडलिंग यूनिट। एयर हैंडलिंग यूनिट ये AHU रूम के अंदर होगी। ये जो चिलर है ये प्लांट रूम के अंदर, एयर हैंडलिंग यूनिट AHU रूम के अंदर। एयर हैंडलिंग यूनिट से दो तरह की या कभी कभी तीन तरह की डक्टिंग निकली रहती है। देखिए ये पहली वाली डक्ट, ये पहली वाली डक्ट को सप्लाई एयर डक्ट कहते हैं, जो ठंडी हवा को कन्फाइंड जोन में लेके जाएगी। ये है हमारा कन्फाइंड जोन। सप्लाई एयर डक्ट के द्वारा क्या होगा, AHU से चिल्ड हवा, ठंडी हवा को कन्फाइंड स्पेस के अंदर लेके जाया जाएगा। यहां ठंडी हवा सप्लाई डक्ट से जब निकलती है और कन्फाइंड स्पेस में ठंडी हवा पहुंचती है, तो कन्फाइंड स्पेस की हवा में से सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट ली जाती है और हवा गर्म बन जाती है। यही हवा को हम रिटर्न एयर डक्ट, देखिए ये रिटर्न एयर डक्ट है, ये रिटर्न एयर डक्ट के द्वारा यही गर्म हवा को फिर से AHU रूम के अंदर या AHU यूनिट के अंदर लाया जाता है। सो सप्लाई एयर डक्ट से AHU से ठंडी हवा गई थी कन्फाइंड जोन में, और रिटर्न एयर डक्ट से कन्फाइंड स्पेस से गर्म हवा वापस से AHU यूनिट के अंदर आएगी। ये है बेसिक चीजें, ठीक है। अगेन ये प्लांट रूम के अंदर चिलर होगा, प्लांट रूम के अंदर से या चिलर के अंदर से जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है वो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कूलिंग कॉइल में जाएगी। ये कूलिंग कॉइल AHU यूनिट के अंदर है, AHU यूनिट से जो है हवा ठंडी की जाएगी। ठंडी हवा को हम सप्लाई एयर डक्ट के जरिए कन्फाइंड स्पेस में लेके जाएंगे, कन्फाइंड स्पेस की हीट एब्जॉर्ब करके हवा गर्म हो जाएगी, वो गर्म हवा को हम रिटर्न एयर डक्ट के जरिए फिर से AHU के अंदर लेके आ जाएंगे। सो ये एक मोटा मोटा तरीका है कि एयर कंडीशनिंग प्लांट करता कैसे है। सो एयर हैंडलिंग यूनिट इंपॉर्टेंट चीज है एयर कंडीशनिंग प्लांट में, ठीक है। आज की वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, मैं सोचता हूँ आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करेंगे। सो इसीलिए आज का पार्ट जो है वो मैं यहीं ओवर करता हूँ। आपसे मैं मिलता रहूंगा, जल्द ही मैं पार्ट टू लेके आऊंगा, सेकेंड पार्ट लेके आऊंगा। हम पूरी पार्ट वाइज ये सीरीज कंप्लीट करेंगे और पूरे चैप्टर को बेसिक तरीके से समझेंगे, और इसके बाद हम ये चैप्टर के ऊपर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आपकी मैं आज इजाजत दूंगा, जल्द ही आपसे फिर से आके मिलूंगा। आज का पार्ट फिनिश करने से पहले प्लीज अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी चैनल का नाम है लर्न ओ मेनिया। चलिए मैं हुसैनी सर आपसे आज के लिए इजाजत लेता हूँ, जल्द ही सेकेंड पार्ट में आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। गुड बाय माई स्टूडेंट्स एंड थैंक यू।